जवान आ चुके हैं जी, अदील साहब जी, उस्मान साहब, किधर की तैयारी है आज? आज दोस्त को मिलने के लिए जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? चाय पे बुलाया हुआ है। अच्छा, सिर्फ चाय या कुछ और चीज भी है? उम्मीद करते हैं कि पकोड़े भी होंगे साहब। तो जी असी जा रहे हैं जी मिस्टर चाइना वाल, ते उन्हें सानू चाह ते बुलाया है, ते असी दोस्त को जा रहे हैं चाह पीना से। अदील भाई किधर जा रहे हैं आप? जा रहे हैं, आप बैठे, आपको फिर दिखाते हैं। चलें गाइस, आप गाड़ी में बैठ के आपको बताते हैं कि हमारे जो चाइना वाले दोस्त हैं वो कैसे हैं। आ जाए, तो ये चाइना वाले दोस्त उस्मान को क्या कहानी है? यार ये ना हमारा दोस्त है, तो ये चाइना का जो है ना वो स्टूडेंट वीजे का काम करता है। अच्छा, एडमिशन वगैरह करवाता है चाइनीज यूनिवर्सिटी में। अच्छा, तो ये ना ही असि चाइना वाला पा चढ़े। क्या बात है। असि इन प्यार ना कहने हैं, ओ चाइना वाले हो, की हाल है, ठीक हो यार? पीछे नजर ही नहीं आ रहा, गड्डी ठोकी ना जाए। ठोकी तो आवाज आएगी, ठोकी तो वाकई आवाज बड़ी जोर दी आनी है। ठीक है, ठीक है। तुसी लाइट भी मेरे वाल मार रहे हो ना, तो बिल्कुल ही मैंने नजर नहीं आ रहा। ठीक है, पूरी ओन तो करते आवाज नहीं आई, मेरे ख्याल निकल गई है, नहीं तो डेफिनेटली आवाज जड़ी है ना लाजम आनी। चलो जी, कितना दूर है तुम्हारे नई भाई दा घर जिहड़े चाइना वाले ने? चाइना वाले जिहड़े भाई ने ना नाल ही रहंदे ने, इतना दूर नहीं है। अच्छा, तो तकरीबन हमारे घर से जो है वो 5 मिनट लगते हैं। अच्छा, और 5 मिनट में जो है वो हम उनके घर पहुंच जाते हैं। क्या बात, फोन किया हुआ है ना कि हम आ रहे हैं? हां, क्या कह रहे हो? ओके जी, मौसम बड़ा अजीब और गरीब है। हाँ जी, सारा दिन आज बारिश होती रही है। चलो, मौसम जो है ना कोई इतना अच्छा नहीं, यानी कि अभी तकरीबन 7 बजे हैं और इतना अंधेरा हो चुका है जिस तरह कोई रात के लम्हा फरक कोई 11-12 बजे भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, और वैसे भी जिस इलाके में हम रहते हैं ना ये थोड़ा सा डार्क है, और ग्रीनरी यहाँ बहुत ज्यादा है, ट्रीज है और एक किस्म का जंगल जैसा माहौल है, तो इसलिए जो है ना यहाँ पे डार्कनेस जो है वो ज़्यादा मतलब आपको नज़र आती है और जल्दी डार्क हो जाते हैं। चले, फिर जब उनके घर पहुँचेंगे तो आपको दिखाएंगे, आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं आज। अच्छा, उस्मान भाई की गाड़ी की खास बात है कि उस्मान भाई की गाड़ी की जो एक लाइट है ना वो मेरे ख्याल में ख़राब हो चुकी है, या उस्मान भाई जो है वो बिजली गाड़ी की जो है वो बिजली बचा रहे हैं और एक लाइट से गुजारा मुजारा चला रहे हैं। तो पता करते हैं उस्मान भाई से कि क्या चक्कर है, एक लाइट किधर गई है। और भाई जान आपकी गाड़ी की एक लाइट जो है वो चलती है, तो ये लाइट किसे पता नहीं, इसने खाना नहीं खाया, ये क्या चक्कर है? अच्छा, कौन सी वाली? ये वाली लाइट नहीं चल रही आप गाड़ी की, क्या चक्कर है? कोई बिजली बचा रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं, पेट्रोल बचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चक्कर क्या है भाई जान? तो शायद थोड़ी हिल गई हो। नहीं, चेक करा लें, चूंकि अगर आपको कहीं पकड़ शकड़ होगी तो ये काफी नुकसानदेह साबित हो सकती है। इशू बन सकता है। हाँ। चलो जी, हम चाइना वाले के घर पहुंच गए हैं। आ जाएं जी, अभी छापा मारते हैं। हम अपने जो है वो इंस्पेक्टर के साथ आए हैं, ये हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब की आप देखें अगर आप हालातों वक्त, तो ऊपर से ये मौलवी बने कुछ के अंदर से कुछ और है। पुलिस है, ओपन द डोर। ये नाज़रीन चाइना वाली सरकार सारा कुछ करना है ना, यही काम कर रहा। चाइना नहीं जाना सी? और सब ये सा ठीक हो? ठीक, तू भी ठीक है? सब ये था आ जा आ जा, मैं बंद कर दूं इन्नत कर ही सकता। चल,
अदील भाई ने फोन लैके नहीं दिता फटे छे चलते रहे बार लैंड चलो जी हने ही चलते नहीं तो यह फोन आला काम जरा फिर नहीं होना सारी जिंदगी तुम पता जो काम हो जाए अगेन टाउन सेंटर इन्होंने एग्रीमेंट हो अदे पैसे आ जाएगा फोन मिलने चस्के तो मिलन गए ना कहना कोई लैके जाना जनाब बीबी घंटा चस्के लेंदे रहे एंडे मुड़ के जनाब कदी ए कवे ए नहीं हो सकते इन्हें फोन नवा लिया मैं फोन लिया बार बड़ी मुश्किल ना बीबी ने फिर मना लिया के ठीक है जी ए जड़ा है ना बकरा मंडी जान दा बड़ा शौक है रंग बिलकुल बिलकुल मूड आव ना आपने मुझे आज तक क्या क्या लेके दी है कुछ साल डेढ़ साल पहले अच्छा तो इसने माशाल्लाह 20-30 पाउंड लगाए थे इसके बाद घर में अच्छा बच्चा है जब आप इसे बोलो कुछ चीज पकड़ा दे सामने पड़ी हो पकड़ा दे चीजें लेके दी हैं भूल गया याद नहीं आ रही लेकिन काफी दफा काफी चीजें मसलन क्या टॉफी चिंगम बस जरा लेके रखी है दिल दे विच कोई भी ना देखे मुबारक दी बाकी मेरी तरफ जनाब हज दी मुबारक सियालकोट से हमने मंगवाई है जैकेट्स अच्छा हिलक्रिस्ट के नाम से कंपनी है हमारी किस नाम से हिलक्रिस्ट के नाम से ना टैग भी लगा हुआ है ठीक है हाँ और ये बिल्कुल प्योर लेदर है
ये मैन्युफैक्चर भी आप खुद ही हैं? मैन्युफैक्चर भी हम खुद ही हैं, हमारी अपनी वहाँ पे फैक्ट्री है और हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। प्योर लेदर है, स्मेल चेक करो। क्वालिटी भी नाइस लग रही है। हाँ अच्छी है क्वालिटी, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है। ये ज्यादातर ये है बाइक्स की। अच्छा हाँ। और इसमें साइजेस कौन कौन से हैं? साइज अभी तो हमारे पास पड़ा हुआ है, मीडियम है। ये अच्छा, चेक करें। आप ट्राई करें भला। हाँ। क्या बात है। अच्छा ये मीडियम है, ये मीडियम साइज है। और लार्ज कौन से? आपको मीडियम ही आएगा। मुझे मीडियम ही आएगा। हाँ, ये जैकेट्स में मीडियम ही आएगा। अच्छा, लार्ज ज्यादा बड़ा। और ये उधर से मंगवा रहे हैं, पाकिस्तान से? पाकिस्तान से। तो जो पाकिस्तान से मंगवाते हैं उनके जो साइजेस हैं वो यूके के इक्विवेलेंट मंगवा रहे हैं आप? हाँ, यूके के इक्विवेलेंट है। यार अदीर, मुझे तो नाइस लग रही है, दिखा। नाइस है लेकिन थोड़ी थोड़ी इधर हो ना। हाँ सॉरी, दिखा तो सही ना तू। अच्छा यार नाइस है लेकिन, है ना, बंद नहीं हुई थोड़ा। लार्ज चाहिए। हाँ अदीर, ए लार्ज है ना, पाकिस्तानी स्मॉल, पाकिस्तानी मीडियम है। तो क्या बात है, जबरदस्त। कितने में सेल कर रहे हैं? लार्ज है ये मेरे से। आप कितने में सेल कर रहे हैं? ये सेल कर रहे हैं 200 पाउंड की, 150 पाउंड की। अच्छा, 150 साइजेस के हिसाब से। अच्छा, लेडीज है तो मीडियम लार्ज और इसकी डिफरेंट है प्राइसेस? नहीं, डिजाइन डिफरेंट है ना। और प्राइसेस? प्राइसेस भी डिफरेंट है। अच्छा, प्राइसेस भी डिफरेंट। ये लेडीज है, ये 250 पाउंड की है, ये एक्सएल है लेडीज का। दिखाओ तो, ये शॉपिंग दिखाओ। वो भी एक सीधी करके ऐसे रखो। उधर थोड़ा उधर। हाँ ऐसे। अच्छा, ये वाली लेडीज है और ये जेंट्स है। ये जेंट्स है। रिकॉर्ड आ चुके हैं जो कि मौसम की मुताबिक से बहुत नहीं बनने का फैसला किया है, चूँकि बाहर हो रही है बारिश। ये उस्मान भाई हैं जी। जनाब जी, उस्मान भाई की सूरत हाल है? सूरत हाल है कि जी पकौड़े आ गए ने, हम चाह का इंतजार हो रहा है। अदील साहब बगैर चाह तो आए जड़ा ना काम चुक देता है ने फटे चक। अदील भाई बड़े ने मौलवी साहब। हाँ तो मौलवी साहब तो काम नहीं छोड़ते फिर। हाँ यार, चटनी अच्छी बनी है ना। पकौड़े कैसे बने ने? पकौड़े मैंने चखे नहीं अभी। हदों की यार, अकल से तो अच्छे लग रहे हैं। बड़ा यार, अभी अकल से देखते हैं। मैं पार्टी में रोज घर आया हूं, दिन कर दवा तो खाना है ते दिन कर जा कर दम जा रहे हैं। और ये आज पकोड़े आ गए जी, तो चटनी डाल ली। आ कौन है गाड़ी संदूक कौन है? स्वादी ने यार, बार बारिश भी हो रही है। ये गलत है ते अब तो गर्मा गर्म पकोड़े ते नाल चाह, क्या बात आ जांदा जी। अदीप भाई बिस्मिल्लाह जी। हमारा आज का प्रोग्राम जो है वो फिनिश हो गया और प्रोग्राम बढ़ गया और माशाल्लाह बड़ा मजा आया। चाइना वाले भाई के साथ गपशप लगाई है, चाय पी है, पकौड़े खाए हैं, अभी अलविदा ही मुलाकात हो रही है और अल्लाह हाफिज करेंगे। तो फाइनली हमने इनको रिमाइंड करवाना है कि फ्रंट सीट जो है वो अभी भी खाली है, अभी भी खाली है। संडे वाले दिन जो है उसका सफाई भी होगी। संडे वाले दिन जो है हम इनको फ्रंट सीट पर बिठाएंगे और आपको दिखाएंगे कि दोस्तों को फ्रंट सीट पर बिठाने और उनको कहीं लेके जाने का कितना मजा आता है और किस तरह फ्रंट सीट तैयार की जाती है और किस तरह बिठाया जाता है, आपको दिखाएंगे संडे को। नहीं भाई तैयार है जी, संडे को नहीं, नहीं है संडे नहीं, मैं अभी ओ मुंह इधर तो थले नहीं, 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 नहीं टेस्ट को जाना है। ये संडे वाले दिन जी अभी प्लान बनावांगे ना अगले हफ्ते फिर जिस दिन छुट्टी आएगी ना। ही समझिए फिर ना ही।
चलो मैं के सबूत जड़ा ये भी आ जाएगा इसी बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे इनके साथ जाएंगे ठीक हो गया चलो ठीक ठीक है अल्लाह जी। तो हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं नई भाई जो नई भाई के घर गए हुए थे। तो अभी उस्मान भाई से पूछते हैं कि इनकी जो नई भाई के घर चाय मीटिंग है वो कैसी रही। जी अदील भाई कैसी रही आपकी नई भाई के साथ मुलाकात। अल्लाह का शुक्र है जबरदस्ती चाय भी अच्छी थी थैंक यू उनका। जी उस्मान भाई जी जनाब तो घर आ गए। हाँ जी घर वापस आ गए अच्छी रही थी मुलाकात चाय पीस पकौड़े खाए बहुत फन किया गपशप लगाई और अभी घर पहुँच गए अभी मिलते हैं इंशाल्लाह टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।